इंडिया गठबंधन को दरअसल मुस्लिम धर्मगुरु ने भी दो टूक सलाह दी है। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद का बयान आया कि कांग्रेस एसपी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मुसलमान एसपी को वोट नहीं देंगे, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं, यह कहना है कल्बे जवाद का। शिया धर्मगुरु है कल्बे जवाद। इतने काम इन्होंने किए आज तक किसी भी एमपी ने, इतने काम लखनऊ में नहीं किए जी। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त तो हिस्टोरिकल होगी साल तो, क्योंकि हमारे शिया भाई भी जो है बहुत बड़ी तादाद में उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। और जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं उनको हमेशा आपने कहा, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी कोई पार्टी, इन्हें मुसलमानों से छीना है, मुसलमानों को दिया नहीं। गठबंधन खुलने वाला है, गठबंधन है, इसकी रस्सी बहुत कमजोर है। वीरेश, आपने ये बातचीत की थी कल्बे जवाद साहब, मतलब क्या निकाले जाए, क्या कहना चाह रहे थे वो? देखिए, वो कहना चाह रहे थे कि जो अटल जी के जमाने से लखनऊ में शिया धर्मावलंबी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते रहे हैं, इस ऐसी मान्यता है, और अटल जी के बाद से राजनाथ सिंह उस वोट पर अपना हक जताते रहे हैं और उनकी कोशिश रहती है। वो कल्बे जवाद से भी मिलते हैं, वो सुन्नी धर्म गुरुओं से भी मिलते हैं, मुसलमानों से उनका एक लगाव है। लखनऊ में जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर, यहाँ जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजनीति करते थे भारतीय जनता पार्टी का, तभी से मुस्लिम लोगों के बीच में उनकी अपनी पैठ रही है, और उसी संबंधों का निर्वहन करते हुए कल्बे जवाद मेरे सामने जब राजनाथ सिंह के घर पर पांच कालिदास मार्ग पहुंचे, जो पंकज सिंह उनके बेटे के नाम से आवंटित है, तो उसी दरमियान मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि कल्बे जवाद साहब, आप शिया धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और आप यहां पहुंचे हैं, इनके दर पर पहुंचे हैं, इन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, साथ ही साथ इनके समर्थन में पहुंचे हैं, और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे वो। तो जब मैंने पूछा कि बताइए लखनऊ में राजनाथ सिंह को मुस्लिम वोट करेगा कि नहीं करेगा, क्या बहुत वोट करेगा, लाखों वोट से जीतेंगे राजनाथ सिंह, और हमने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, दावा करती है कि मुसलमान सारे के सारे समाजवादी पार्टी और इंडिया। ठीक है वीरेश, अब एक सवाल यह खड़ा होता है, जैनेन्द्र से मैं इसका जवाब जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। जैनेन्द्र, कल्बे जवाद की कही बात का मुसलमानों पर कितना असर होगा, और मुसलमानों के मन की बात तो किस कदर कह रहे हैं, इसको हम कैसे समझें? काम आ गया ना? बिल्कुल, देखिए कल्बे जवाद एक जाने माने शख्सियत हैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, और वो जो बात कह रहे हैं उनका असर जाहिर सी बात है एक तबके पर पड़ेगा, लेकिन देखिए मुस्लिम समाज भी जो है वो वोट अपने हितों को सोच समझ करके बात वोट करता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वो अपनी रणनीति बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लखनऊ जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हम वहाँ पर देखते आए हैं कि वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट जो है उनको मुस्लिम, खासतौर पर शिया मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है, तो कल्बे जवाद भी शिया धर्मगुरु है, वो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन हर जगह अलग समीकरण होते हैं और अल्पसंख्यक जो है वो अपने हितों को के मद्देनजर वोटिंग करते हैं। और अखिलेश, 20 सेकंड आखिरी में जो ये समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान दिया है, देखिए इन्होंने बयान देकर गठबंधन का तो नुकसान किया है लेकिन अपना फायदा कर लिया है, ये अब सुर्खियों में आ गई है और इनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो उनकी नियत रही होगी सुर्खियों में आने की वो तो उसमें कामयाब हो गई है, लेकिन एक बयान, ये जो बयान ऐसा दिया है जिससे जो ध्रुवीकरण होगा उससे उनके गठबंधन को नुकसान ही होगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गठबंधन को विवादों में ला दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।